अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा इनाम, देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर लिया था, नाउ हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रियल नंबर एंड व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग उसकी सारी सॉल्यूशंस करेंगे। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो अगर सिंपली बताया जाए रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाएगा 2/3, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा 3/2, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा 4/5। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो मतलब आइडिया मिल गया ना। ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है, बट हमें क्या चाहिए, हमें रिपीटिशन चाहिए, हमें रिवीजन चाहिए, हमें आइडिया अगेन चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं, क्योंकि हम लोग भूलते हैं चीज़ें, ठीक है। हमारी आदत है, जब साल गुजर जाते हैं तो हम लोग को पीछे साल की क्लास की जो चीज़ें होती हैं वो सारी भूल जाते हैं। तो रेशनल नंबर हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। नाउ एक होता है हमारे पास रेशनल नंबर का जो सेट होता है, ठीक है ना, रेशनल नंबर सेट। तो सेट हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, सेट हमेशा हमें पता है कि हम लोग किसी खास तरह से लिखते हैं। तो इसका सेट हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसको तो हम लोग पहले क्यू से जो है इसका सिंबल होता है हमारे पास, ठीक है। और हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं इस वाले फ्लावर ब्रैकेट में, जिसको हम लोग ज़्यादातर फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो पी बाई क्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है पी और क्यू, दोनों किस चीज़ को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों जेड को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पी और क्यू है वो जेड को बिलोंग कर रहे हैं, और पी इज़ नॉट ई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जो पी और क्यू है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन कैसे बन जाएगी, अ रियल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पूरा का पूरा सेट हो गया मतलब रेशनल सेट, ठीक है। तो अभी तो रेशनल की बात हो गई, अब इरेशनल हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। अब रेशनल के बारे में तो हमें पता चल गया, एंड वट इज़ इरेशनल, तो वो नंबर जो हमारे पास रेशो के फॉर्म में नहीं होते, ठीक है ना। द नंबर विच द वर्ड इरेशनल मीन्स नॉट रेशो, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, नॉट रेशो, जो हमारे पास रेशो में ना आए, ठीक है ना। यानी इरेशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ दोज नंबर विच आर नॉट नॉट रेशनल, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हमारे पास नहीं होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब तो ये तो इरेशनल की बात हो गई ना, अगर हम लोग बात करें अपने रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो वो सेट जिसमें हमारे पास रेशनल भी हो इरेशनल भी हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर का सेट बोलते हैं, ठीक है। एंड वो हमारे पास किस चीज़ में इनक्लोज होते हैं, वो हमारे पास रियल नंबर इज डिनोटेड बाय, सॉरी डिनोटेड किस चीज़ से होते हैं, आर से हम लोग रियल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। या तो आप आर ऐसे लिख दें, या तो आप आर ऐसे लिख दें, दो लाइन लगा के एंड यू लिख दें, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो आप भी ये वाला यूज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। या तो इसको नीचे से बंद कर दीजिए, या तो नहीं खोल दीजिए, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा मोटा होगा तो हमें क्या होगा, थोड़ा सा रियल नंबर को क्या देगा, आइडिया देगा कि हाँ ये हम लोग रियल नंबर को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू, और हमारे पास क्यू ऑफ डैश का जो होता है वो हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनियन, यूनियन होता है हमारे पास, ठीक है। अब क्यू क्या होता है, क्यू तो हमारे पास रेशनल होता है, इरेशनल को क्यू डैश से बिलोंग करते हैं। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास रियल नंबर बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास रियल नंबर हो गए। और यहाँ पर एक नोट को देख लेंगे हम लोग रियल नंबर के, जो ऑल नंबर्स ऑन द रियल लाइन आर रियल नंबर, तो जितने भी रियल लाइन पे नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। जब रियल लाइन पे होंगे तो जाहिर ही बात है रियल नंबर भी होंगे, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, ठीक है।
3 हमारे पास हो गए हैं। नाउ अगर हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर्स, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इस चीज़ की बात करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, तो चलिए ये देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर्स की बात कर ले, तो ये वो कौन से नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो हमें, जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके बाद एक पॉइंट तक ही नंबर दें। जैसे कि अगर हम लोग बोल दें कि 0.933, ठीक है, बस इनफ, ये अगर यहाँ तक हमें नंबर दे रहा है तो ठीक है, अगर ये हमारे पास कंटिन्यू है तो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, जो कि एंड कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का ये होता है कि टर्मिनेटिंग जो होता है वो हमारे पास एंड हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हमारे पास एंड नहीं होता, नॉट एंड, ठीक है। तो इसमें यही दोनों का फ़र्क है। तो जब भी आप कोई डेसिमल लें और जो एंड हो जाए उसको आप टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जो एंड नहीं हो रहा कंटिन्यू है, जैसे 0.333333, तो ये क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है एंड ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो गया। जैसे कि 0.25, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, एंड अगर मैं जी टू 0.55555, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो होप कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का भी पता चल गया होगा। नाउ अगर हम लोग देखें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारे पास क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे डेसिमल के बाद पॉइंट, डेसिमल में ऐसे पॉइंट्स आते हैं पॉइंट के बाद जो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और अगर ये है तो ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या, पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर जो हो रिपीट करें तो उनको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, रिपीटिंग को मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जो रिपीट नहीं करते सेम ऑर्डर में, ठीक है ना। तो बस इसमें यही फ़र्क है, और आगे जाके हम लोग ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करेंगे किस चीज़ में, अपने एक्सरसाइज में। तो अगर हम यहाँ पर बुक में देख लें तो यहाँ पर हमें वही चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने वहाँ पर आपको बता दी, कि हम लोग रियल लाइन पे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को देखें हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, बीच में ओरिजिन जो होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें तो डिमोनिस्ट्रेटिंग अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 185 जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद भी रिपीटिंग चल रही है, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्सिव डेसिमल बोल देंगे, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो बाकी की यहाँ पर कोई, हाँ अगर देखा जाए तो 0.33 तो हमारे पास ये कंटिन्यू है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एंड इसी तरह हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली हैं, एंड यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग डिस्कस करना भूल गए जो छोटी होली है, तो हम लोग वहाँ पर इसको रिपीट करके, मतलब रीड करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अगले उसमें एक्सरसाइज पर बात करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।